हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आनंद ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो है एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और इसको इसका डेमो भी है जो कि मैं लगाकर दिखाऊंगी कि ये आप लोगों को किस तरह से लगानी है, कैसे यूज़ करनी है। और जैसे कि कॉलेज गर्ल और ऑफिस गोइंग गर्ल या वुमेन होती हैं, उनको बहुत ही लाइट सा मेकअप चाहिए होता है, तो वो लोग ना ये पॉन्ड्स बेबी क्रीम का यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी पॉन्ड्स बेबी क्रीम होती है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू और डेमो खुद कर रही हूँ। तो ये जो पॉन्ड्स बेबी क्रीम है, तो इसमें SPF 30+ भी है, और ये जो बहुत ही लाइट वेट है, और ये फाउंडेशन जो होता है ना, फाउंडेशन का ही लाइट लाइट फाउंडेशन लाइट वेट फाउंडेशन है। और इसका ये जो है, तो ये 9 ग्राम की है, ये बहुत ही स्मॉल सी है, 9 ग्राम है। अगर आप मतलब देखना चाहते हैं कि फेस पे ये वर्क करेगी, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और आप इसे अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। ये मुझे रिसीव हुई है 80 रुपीज़ की, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ। इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह से कार्डबोर्ड की तरीके से है। तो ये है छोटू सी पॉन्ड्स बेबी क्रीम, ठीक है। तो ये इसमें भी लिखा है 80 रुपीज़ की है ये, तो ठीक है। तो इसको मैं आपको अभी अपने फेस पे भी लगाकर दिखाऊंगी। अभी मैंने अपने फेस पे जो है अभी कुछ भी नहीं लगाया है, आप देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ काजल और लिप बाम लगाए हुए है, और अभी अपने फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगाया है। अगर आप पॉन्ड्स बीबी क्रीम में कुछ भी यूज कर रहे हैं, अभी तो मतलब खैर विंटर्स चल रहे हैं, और विंटर्स में मॉइस्चराइजर तो जरूरी होता ही है। अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये गुड वाइब्स का रोजिप सीरम पहले लगा लीजिए। अगर आपके पास रोजिप सीरम नहीं है तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्राइमर वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कोई झंझट नहीं होता है पॉन्ड्स बेबी क्रीम को लगाने में। अगर आपके पास ये सीरम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लीजिए, आप उसको पहले लगा लीजिए अपने फेस पे। मैं अभी अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो मैंने पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया है, एंड देन आप लगाएंगे पॉन्ड्स बेबी क्रीम, ठीक है। तो इसको या तो आप अपने फिंगर में ले लीजिए, और या तो बस इसी ट्यूब से आपको इस तरह से डॉट 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 रखने हैं। और बस इसको आप पहले तो फिंगर से इस तरह से इसको फैला लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप कोई भी स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए, उससे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको अच्छे से फैला लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छा हमारे फेस पे एक ग्लो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने पहले फैला लिया है। आप कोई भी आप स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए, आप उसकी हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। आप इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर ब्लेंड नहीं हुआ है, तो अच्छे से पूरे फेस पे इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा, बहुत ही नेचुरल सा लुक लग रहा है, बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है। आप देखिए,
बहुत ही नेचुरल लुक आया है। और ये जो है, ये हमारे जो भी गर्ल्स या वुमेन्स कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अगर दिन में कहीं जा रहे हैं किसी भी फंक्शन में तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से ये मतलब हमारे फेस पे सेटल हो जाती है, बहुत ही नेचुरल मेकअप लगता है कि मतलब जैसे कि हमने कोई भी मेकअप नहीं किया है और नेचुरल सा ग्लो हमारे फेस पे आ गया है, ठीक है। तो ये है इसका रिव्यू, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की ये कैसा लगा, मेरा ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।